3 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि कैसे पुलिस भीड़ से निपटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमलावर भीड़ के सामने पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हमला इतनी तेजी से भीड़ ने किया कि पुलिस वाले चौकी के अंदर भागने लगे। पुलिस अपनी गाड़ियों में थे, वहां से गाड़ी छोड़कर भागे और इन्हीं पुलिस वालों में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भी शामिल थे। इसी हमले में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मारे गए। देखिए सही, पूरे देश ने अभी तक वो वीडियो देखा जो बुलंदशहर हिंसा में शामिल और आसपास जो भीड़ थी उसने बनाई थी, लेकिन ये पहली बार आज तक के हाथ सीसीटीवी लगा है जो उस पुलिस चौकी के बेहद नज़दीक था और जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। इस सीसीटीवी में आप साफ देख पा रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी तब का है जब हिंसा शुरू हुई, तकरीबन 1:08 पर यह हिंसा शुरू हुई। आप देख पा रहे हैं कि जो पुलिस चौकी है चिंगरावटी, जिसको आग के हवाले कर दिया था भीड़ ने, वहीं पर इंस्पेक्टर मौजूद है अपनी गाड़ी के साथ और सब कुछ सामान्य से चल रहा है और अचानक से जो भीड़ है वो पुलिस चौकी की तरफ सीसीटीवी में जो सामने दिख रहा है सीसीटीवी की तरफ आने लगती है। पुलिस वाले वो भागने लगते हैं और वहीं पर जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे वो इस सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और वो जब भीड़ आने लगती है तो उनकी जो गाड़ी है उसमें बैठकर वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस यहीं से बेहद नज़दीक गाड़ी जाकर फंस जाती है खेत में और वहां सुबोध कुमार सिंह पर हत्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो सीसीटीवी में है, जो एविडेंस है, जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था कि सुमित जो गांव का लड़का था उसकी हत्या के बाद हिंसा भड़की, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गौवंश जब मिला था उसके बवाल के बाद भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी और अचानक से भीड़ ने पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया। आप सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि कैसे एक एक करके तमाम जो पुलिस वाले जो भीड़ से निपटने की तैयारी कर रहे थे इस सीसीटीवी में एक एक करके वो पुलिस चौकी के अंदर भाग रहे हैं। जी अरविंद, इसका मतलब ये हुआ इस सीसीटीवी फुटेज से और बहुत सारे अपराधी पुलिस को मिल सकते हैं, बहुत सारे सुराग इस फुटेज से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, और जो ये सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको बता दूं कि जो एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसी सीसीटीवी फुटेज को अहम मान रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो पुलिस चौकी जिसके अंदर पुलिस वाले भाग रहे हैं उसके अंदर कई पुलिस वाले भागे थे, जब भीड़ थी वो पुलिस चौकी जो पुलिस वाले अंदर मौजूद थे तो पुलिस चौकी को आग लगा रहे थे, लेकिन पीछे वाला जो रास्ता था उस पीछे वाले रास्ते से भाग गए।